प्लानिंग यही थी कि अगर मुझे लगेगा कि मेरे एरिया में बॉल है तो मैं जाऊंगा, क्योंकि वहां से रन रेट हमें बढ़ गया था थोड़ा, तो वहां पे यही प्लान था कि अगर मेरे एरिया में बॉल आएंगी तो मैं उनके लिए शॉट्स के लिए जाऊंगा। तो पहले दो शॉट्स रिवर्स स्वीप मैंने जो मारे, क्योंकि मुझे फील्ड दिखी वहां पे आ गया, तो रिवर्स स्वीप पहले मैंने मारा, फिर उसके बाद ओवर एक्स्ट्रा कवर जो शॉट मारा वो बॉल थोड़ा बाहर था, तो मुझे लगा वो मेरा शॉट है वहाँ पे मैं मारूंगा, तो बैक किया अपने आप को और सक्सेस रहा वो प्लान। यही प्लान था कि जब हमने एक बार स्कोर देखा था तो 7 ओवर्स में 75 रन चाहिए थे, तो मैं रियान को यही बोल रहा था कि जितना डीप हो सकता है उतना ले जाएंगे, लास्ट के अगर 3-4 ओवर में 35-40 रन भी रहते हैं अगर मैं तो क्रीज पे, क्योंकि उस टाइम तक हम सेट भी हो जाते, अच्छा अच्छी खासी बॉल भी खेल लेते, तो यही प्लान था कि जितना डीप ले जाएंगे उतना फ़ायदा है हमें, और लास्ट के 3 ओवर में हम हिटिंग करके मैच जितना क्लोज ले जा सकते हो उतना क्लोज ले जाने की कोशिश करेंगे। टॉप ऑर्डर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी वो क्लिक नहीं करा जैसे पिछले 2-3 मैच से, पर हमें उनमें बहुत ज़्यादा भरोसा है क्योंकि सारे टॉप क्लास प्लेयर हैं, इंटरनेशनल बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आती है कि जब वो आउट हो जाएंगे जल्दी तो फिर हमें कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और यही है कि मिडल ऑर्डर अगर स्टाफ मैनेजमेंट जो भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो हमें भी वो प्रूव करना है, क्योंकि हमने इतनी अच्छी ट्रेनिंग करी है, बस वही है कि जो प्लान्स थे हमारे वो एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो वही है कि मिडल ऑर्डर में पूरा कॉन्फिडेंस है हमें। ऑब्वियसली बेन स्टोक्स अगर टीम में आते वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर हैं तो टीम का मोरल बहुत ऊपर चला जाता है, उनके फील्ड पे प्रेजेंट जो भी प्रेजेंस है वो काफ़ी मैटर करती है, और जो ग्राउंड में उनकी इंटेंसिटी रहती है सबको साथ लेके चलते हैं, तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आता है टीम में। और रही बात उनके ओपनिंग की, तो वो मैनेजमेंट डिसीजन था, जो भी है मैनेजमेंट डिसीजन है वो, तो इसमें मतलब हमारा कोई वो नहीं है, जो भी हो रहा है टीम के लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जैसे लास्ट में मैं और रियान भी खेल रहे थे तो डगआउट से बस यही आ रहा था जितना लास्ट तक ले जा सकते हो ले जाओ, क्योंकि उनको हमारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने वो उनको प्रैक्टिस गेम्स जो भी खेले या फिर जो भी ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें करके दिखाया, तो यही है जो प्रैक्टिस गेम्स में हमने किया वही है कि यहाँ पे भी आके एग्जीक्यूट करना है बस वही, तो कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट पूरा दिखा रही है, तो हमें उस पर बिलीव करना है अपने ऊपर, और जितना हो सकता है ऐसे आगे भी मैच जिताने हैं।